नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीएल चल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। पिता है बकरा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बकरी ईद की शाही दरगाह पर होगी नमाज, तैयारियों में जुटा प्रशासन। कलेक्टर ने उद्योगपतियों के लिए बैठक, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए दिए निर्देश। और बंदर की मौत के बाद हुआ दसवां, 15 से अधिक लोगों ने कराया मुंडन। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के आजाद नगर क्षेत्र में रहने वाला अब्दुल हमीद का बकरा एक वर्ष से चाय पी रहा है। बकरा रोज इकबाल चौक क्षेत्र में स्थित चाय की दुकान पर चाय पीने आता है। लोग इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ चाय की दुकान इतनी फेमस होती कि लोग वहीं की चाय पीना पसंद करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के इकबाल चौक में भी एक ऐसी ताज राजा चाय सेंटर दुकान है, जहां पर लोगों के साथ एक बकरा भी चाय पीने के लिए पहुंचता है। दुकान मालिक इस बकरे को चाय फ्री में पिलाता है। बकरा चीनी की बस्ती में बड़े चाव से चाय पीता है। जब कोई लोग इसको देखते हैं तो वहां उसका वीडियो बना लेते हैं। लोगों को बकरे का चाय पीता हुआ यहां नजर देख हंसी भी आने लगती है। आरटी हलचल की टीम से खास बातचीत में आजाद नगर क्षेत्र में रहने वाले बकरा मालिक अब्दुल हमीद ने बताया कि इस बकरे को मैं बचपन से पाल रहा हूँ। इसकी उम्र 4 साल की है। इसका नाम लोगों ने चाय वाला बकरा रख दिया है। मैं जब भी इस बकरे को बाजार में घूमने के लिए लेकर जाता हूँ और मैं जब इस दुकान पर चाय पीता था तो इस बकरे ने भी मुझे देखकर इसी दुकान पर चाय पीना शुरू कर दिया। मैं पिछले एक वर्ष से इसको रोज इस दुकान पर चाय पीने के लिए ले जाता हूँ। बकरा चीनी की बसी में बड़े चाव से चाय पीता है। घर पर हम इसको चाय देते हैं तो यहाँ घर पर चाय नहीं पीता है। इसी दुकान की चाय इसको बड़ी अच्छी लगती है। अभी इस बकरे की उम्र 4 वर्ष है। आजाद नगर कहाँ पर चाय पिलाने लाते हो बकरे को? मंडी के अंदर बाजार में, काला बाजार। काला बाजार चाय पीने का शौकीन है बकरे? बहुत शौक है। कितने साल से पी रहा है? 1 साल से पी रहा हूँ। 1 साल? कितने साल उम्र है इस बकरे की? 1.5 साल। 1.5 साल बकरे। यहाँ पर ये बकरा रोज हमारे यहाँ चाय पीने आता है। हमारे होटल के बच्चे को बहुत पसंद है और वो भाईजान खुद लेके आते हैं। कितने रुपए में लेते हो चाय? ये तो उनके हिसाब से देते हैं, नहीं तो नहीं भी देते हैं। हाँ, कभी कभी खुद ही। हाँ, चाय पीता है? कोई पूरी चाय पीता है और चाय पिए बगैर जाता नहीं है। बुरहानपुर जिले में 17 जून को बकरा ईद का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर सिंधी बस्ती स्थित शाही ईदगाह पर ईद की नमाज अदा होगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन यहाँ पर तैयारियां करने में जुट गया है। बुरहानपुर सिंधी बस्ती स्थित शाही ईदगाह पर नगर निगम आयुक्त ने निरीक्षण किया। शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिंधी बस्ती स्थित शाही ईदगाह पर नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया और यहां पर कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था पर प्रकाश व्यवस्था करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि 17 जून को शाही ईदगाह पर बकरा ईद की नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। क्या सुरक्षा के इंतजाम यहां पर जो है? तो साफ सफाई का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। ये यहां पर बारिश की वजह से भी जो पानी भर गया था, गड्ढे हो गए थे, उसमें मुरम डलवाया जा रहा है और नगर निगम का अच्छा सपोर्ट है। सब मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं। कितनी तारीख को ईद मनाई जाएगी? ये 17 जून के दिन जो है तो पीर के दिन मनाई जाएगी, मंडे के दिन। यहाँ पर सुबह 7 बजे का वक्त रखा गया है नमाज का। ये 4-5 दिनों से यहीं पर ही 17 जून को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, तो उसके लिए 5-6 दिनों से यहाँ सफाई अभियान चल रहा है। जो गड्ढे वगैरह सब भरवा दिए। आज बकरीद को लेकर ईदगाह के ऊपर हमारे जो अब नए अध्यक्ष बने अनवार मियाँ साहब यहाँ आए थे और सुबह से ही पूरी नगर निगम की टीम लगी थी। वही यहाँ पे हालचाल जानने को आए हमारे अनवार मियाँ। और मैं सभी लोगों को, बुरहानपुर वासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में उद्योगपतियों की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने बैठक में उद्योगपतियों को अपने उद्योग क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग करने के निर्देश दिए, तो वहीं विधायक ने जल का महत्व बताया। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर ने उद्योगपतियों की बैठक लेकर वाटर हार्वेस्टिंग के निर्देश दिए। शनिवार दोपहर 2 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर भव्या मित्तल ने उद्योगपतियों की बैठक ली और
अपने उद्योगों के पास और खाली पड़े प्लाटों पर वाटर हार्वेस्टिंग को जल संग्रह के लिए व्यवस्था की जाए इसके निर्देश दिए। बैठक में बुरहानपुर विधायक अर्चना चिट्टिस भी शामिल हुई, जिन्होंने संबोधित करते हुए जल का महत्व बताया और उद्योगपतियों से वाटर हार्वेस्टिंग कराने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में उद्योगपति, प्रशासनिक अफसर और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बुरहानपुर जिले के ग्राम अम्बाड़ा में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ पर बंदर की मौत के बाद दसवीं का आयोजन हुआ। दसवीं में गांव की पंगत भी हुई। यहाँ पर 15 से अधिक लोगों ने मुंडन करवाया। ग्रामीणों की यह मानवता का संदेश देने वाली पहल का जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। का जानवरों और पशुओं के प्रति अलग ही प्रेम देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम अम्बाड़ा के ग्रामीणों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 10 दिन पहले एक बंदर की गांव में अचानक मौत हो गई थी, तो ग्रामीणों ने उसकी शव यात्रा निकाल कर विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया था। दसवीं पर अन्नदान का भी आयोजन रखा, जिसमें गांव की पंगत भी हुई और 15 से अधिक लोगों ने मुंडन भी करवाया। बंदर की शांति के लिए यह पूरा आयोजन हुआ। गांव के पुरुषोत्तम महाराज ने आरटी हलचल की टीम से खास बातचीत में बताया कि 10 दिन पहले गांव में एक बंदर की अचानक मौत हो गई थी। बंदर ग्रामीणों का लाड़ला था। गांव के लोग उसको खाने पीने के लिए देते थे। उसने गांव में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। जब उसकी मौत हुई तो पूरा गांव सदमे में आ गया और उसकी शव यात्रा निकाली और विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। आज दसवीं का कार्यक्रम भी हुआ, जहां पर गांव की पंगत हुई, जिसमें 1000 से अधिक लोग शामिल हुए और 15 से अधिक लोगों ने मुंडन कराया। यहां आयोजन गांव के हनुमान मंदिर पर हुआ और हनुमान जी से सभी ने बंदर को शांति के लिए प्रार्थना की। ग्रामीणों का कहना है कि बंदर हमारे गाँव में बच्चों की तरह रहता था, सभी घरों में आना जाना करता था, इसलिए हमने भी सब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसके अंतिम संस्कार की क्रियाएं की। अब ग्रामीणों की इस कार्य की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। बुरहानपुर लालबाग मार्ग स्थित क्रिकेट ग्राउंड पर महेश्वरी समाज की ओर से महेश नवमी के उपलक्ष में महिलाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहां पर 18 से 48 वर्ष की महिलाओं ने भी ग्राउंड पर चौके छक्के लगाकर दर्शकों की दाद बटोरी। समाज में सभी स्वस्थ रहे, इसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते आ रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दी जाती है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी अब महेश्वरी समाज ने समाज के लोगों को स्वच्छ रखने के लिए एक अनोखी पहल की है। अब यहां पर पुरुषों के साथ महिलाएं भी ग्राउंड पर क्रिकेट मैच खेलते नजर आ रही हैं। महिलाओं का कहना है कि शुभ प्रसंग, धार्मिक आयोजनों पर हम क्रिकेट खेलते हैं। आरटी हलचल की टीम से खास बातचीत में महेश्वरी समाज की लीना महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज की ओर से महेश नवमी के उपलक्ष में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। यहां पर अब पुरुष बच्चों के साथ महिलाएं भी क्रिकेट खेल रही हैं, ताकि सभी स्वस्थ रहे। इसमें मुख्य बात यह है कि 18 वर्ष की उम्र से लेकर तो 50 वर्ष की उम्र की महिलाएं यहाँ पर ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रही हैं और चौके छक्के लगा रही हैं। दर्शक भी खिलाड़ी महिलाओं का उत्साह वर्धन करते हैं। अभी 15 जून को महेश नवमी का उत्सव है, तो फर्स्ट टाइम है हमारी यहाँ से लेडीज टीम खेल रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। अभी अभी मैच का सस्पेंस है, अभी एक टीम का खेलना बाकी है, फिर पता चलते। शिव गौरा की टीम है ये, अभी शिव टीम खेल रही है और गौरा टीम का खेलना बाकी है। शुभोदा महेश, बहुत ज्यादा उत्साह है और पहली बार हुआ है। पुरुष भी खेलेंगे? हाँ खेलेंगे ना। खेला मैंने, अच्छा प्रदर्शन दिखाया, हमें बहुत ज्यादा उत्साह है। मैं टीम शिवजी से हूँ, वृंदा धरगढ़। फर्स्ट टाइम मैच हो रहा है, दोनों टीम में 8-8 जन है। बहुत सुंदर आयोजन है ये हमारे महेश नवमी के उपलक्ष्य में, और इसमें बच्चे, लेडीज, जेंट्स और कम से कम 100 एंट्रीज आई है आपकी बार, और बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। बुरहानपुर जॉइंट्स शैली ग्रुप द्वारा जिला अस्पताल में ब्लड डोनेट शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर 30 मेंबरों ने ब्लड डोनेट किया और इन्होंने ब्लड डोनेट करने के बाद अन्य लोगों को भी ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। बुरहानपुर जॉइंट सहेली ग्रुप द्वारा जिला अस्पताल में ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया, जिसमें 30 मेंबरों ने ब्लड डोनेट किया। संस्था के सभी मेंबरों ने और उनके परिचितों ने बढ़ चढ़ कर उत्साहित होकर ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने वालों को संस्था की तरफ से जूस, एप्पल, बिस्किट खिलाकर उनका धन्यवाद किया। संस्था की अध्यक्ष अंजू कटकवार ने कहा कि सभी को ब्लड दान करना चाहिए। ब्लड दान महादान होता है, जीवन दान होता है। संस्था के उपाध्यक्ष सरोज ठाकुर ने कहा, सभी को ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। शरीर में ब्लड डोनेट करने पर नया ब्लड का संचार होता है।
इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।